What's up, दोस्तों वेलकम बैक दिस इज फैन ब्लेज मैं हूं एंड इट इज टाइम फॉर द राउंड टू मैच बिटवीन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और किंग्स इलेवन पंजाब का इस बारी खेला जाएगा शारजा क्रिकेट ग्राउंड में यह वीडियो है फुल फैंटेसी प्रीव्यू का वीडियो तो हेड टू हेड रिकॉर्ड पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट बेंगलुरु और पंजाब का पूरा टीम प्रिव्यू प्लेइंग इलेवन प्लेयर स्टैट्स प्लस फैक्ट्स अबाउट द मैच एंड प्लेयर बैटल्स बिटवीन दीज टू टीम्स वो सब मिलेगा आपको यहाँ पे एंड एक स्पेशल क्वेश्चन भी है आपके लिए हेड टू हेड रिकॉर्ड पे देखा जाए तो तेरह बारह से किंग्स इलेवन अब आगे है आर सी बी से पिछले पांच मैच में मगर आर सी बी फोर वन से डोमिनेट करता है किंग्स इलेवन को पिछले दस मैच में सिक्स फोर से डोमिनेट करता है आर सी बी किंग इलेवन को पिछले सीजन दोनों मैचेस में आर सी बी ने किंग्स इलेवन को हराया है मगर किंग्स इलेवन ने इस सीज़न आर को एक बहुत बड़ी हार दी है नाइन्टी रन से हराया था दोनों टीम्स के बीच में हाईएस्ट स्कोर है 232 पे दो 232 थर्टी टू बाय किंग्स इलेवन 2011 में लोएस्ट स्कोर है 88 एट ऑल आउट वो भी किंग्स इलेवन दो बारी हुई है वर्सेस आर सी पंद्रह में भी 88 एट ऑल आउट हुई थी और 18 में भी 88 एट ऑल आउट हुई थी सबसे ज्यादा रन किसके हैं मिस्टर थ्री सिक्सटी ए बी डिज लुकिंगल्टी रन प्लेंग के एल राहुल तीन सौ छब्बीस रन है इंक्लूडिंग हंड्रेड इन द लास्ट गेम दिस सीजन ओनली ही फेस्ड ऑफ विद आरसीबी मोस्ट विकेट किसकी है यूजी चाह बीस विकेट है उसकी आरसीबी के लिए वर्सेज किंग्स इलेवन और दूसरी तरफ है मोहम्मद शमी जिनकी है सेवन विकेट्स फॉर

सुंदर uh, ने मारे थे थर्टी डिविलियर्स ने मारे थे ट्वेंटी एट बट लुके दैट यंग रवि बिश्नोई थ्री फॉर थर्टी टू यंग मुरुगन अश्विन थ्री फॉर ट्वेंटी वन और कॉट्रेल ने ली थी टू फॉर 17 पिछले सीजन में आरसीबी ने 202 पे चार मारे थे डिविलियर्स ने मारे थे 82 टू नॉट आउट ऑफ जस्ट 44 फोर बॉल्स शमी की एक विकेट थी किंग्स इलेवन चेज नहीं कर पाई थी 17 रन से शॉर्ट रह गई थी पूरन ने रन जरूर मारे थे एंड राहुल ने मयंक अग्रवाल के भी रन आए थे उमेश यादव थ्री फोर थर्टी सिक्स जो इस टीम में नहीं है मगर नवदीप सैनी इस टीम में है और टू फोर ट्वेंटी थ्री उसने लिए थे और उससे पिछला मैच अगर देखा जाए तो किंग्स इलेवन ने वन सेवन थ्री फोर फोर मारे थे क्रिस गेल जो आज बाई दिन न्यूज है खेलेगा उसने मारे थे नाइनटीन

209 हंड्रेड एंड नाइन एंड एवरेज सेकेंड इनिंग्स विकेट ली है फास्ट बॉलर्स ने और 17 विकेट्स वन थर्ड ऑफ द विकेट्स ली है सिर्फ स्पिनर्स ने बहुत छोटा ग्राउंड है जैसे हमें पता है यहां पे सेवन स्कोर्स 200 प्लस रहे हैं आउट ऑफ 12 इनिंग्स व्हिच इज एन अनबिलीवेबल फैक्ट एंड बैट फर्स्ट वर्स इज बोल फर्स्ट की बैट फर्स्ट की एडवांटेज है फाइव वन से यहां का मगर जो विकेट है अब बहुत डिफरेंट खेलने लगा है दैन आई फील टू थ्री गेम्स अगो काफ़ी स्लो खेला काफ़ी टू पेस्ट था इवन इन द फर्स्ट इनिंग्स जैसे ही बॉल पुरानी हुई बहुत टू पेस्ट हो गया था इवन विराट कोहली को बहुत मुश्किल हुई टू स्कोर दोज रन बट ग्राउंड छोटा है तो कभी कभी यू जस्ट स्विंग द बैट और वो बॉल छक्के के लिए जाएगी अगर मिस हिट भी हुई क्योंकि आज के बैट्स इतने स्ट्रॉग है बट यस सेकेंड इनिंग्स में स्पेशली बहुत ज़्यादा विकेट स्लो हो गया सो एडवांटेज होएगी बहुत बड़ी टू द टीम विनिंग द टॉस एंड बैटिंग फर्स्ट एंड अब आप देखेंगे चाहे यहां हो या दूसरे दो ग्राउंड में हो यूए में ऑल द टीम्स विल लुक टू गो हार्ड इन द पावर प्ले जितने रन मार सकेगी पावर प्ले में मारने की कोशिश जरूर करेंगे दोनों टीम्स बिकॉज उसके बाद जैसे बॉल सॉफ्ट हो जाती है विकेट और स्लो खेलना लगता है एंड द बॉल डज नॉट कमाउन टू द बैट गर्मी होगी थर्टी थ्री डिग्रीज टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है किंग्स इलेवन की बात करते हैं इनकी बिल्कुल जो कैंपेन है ऑफ द पाथ चली गई है ओपनर्स तो छोड़ मोस्टली जो मिडिल ऑर्डर जो बिग नेम है मैक्सवेल जैसा उसने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया है थोड़े बहुत ग्लिम्स ऑफ ग्लोरी दिए हैं हमें निकोलस पूरन ने बट ओवरऑल मिडिल ऑर्डर सिर्फ ओपनर्स ने बैटिंग किया है बट रन फिर भी आए हैं बट बट इनका जो बॉलिंग अटैक है उन्होंने इनको डेथ में बहुत गेम्स हराई हैं कैप्टन इनका के राहुल है क्या है देखिए टाई किया दिल्ली कैपिटल्स के साथ सुपर ओवर में आ रही आरसीबी को 206 रन मार के हराया है मगर फिर 223 डिफेंड नहीं कर पाई वर्सेस राजस्थान दे टू चेज 192 वर्सेस मुंबई दे कुड नॉट डिफेंड 178 वर्सेस चेन्नई दे कुड नॉट चेज 201 वर्सेस सनराइजर्स और पिछला मैच जीता हुआ मैच हार गई 164 नहीं चेज कर पाई दो रन से हार गई वो मैच की प्लेयर्स के राहुल मैक्सवेल गेल आज जो खेलेगा पूरन जॉर्डन जो ऑल्सो नहीं चला है डेथ में जिसको डेथ के लिए ही उठाया था मयंक अग्रवाल इज बिन गुड एंड अगर आप देखें दिस आई पी एल लास्ट फाइव गेम्स इनकी लॉसेज रही हैं दे आर द बॉटम ऑफ टेबल विद ओनली विन और इन अ रो इनका प्रेवन कैसा लग रहा है राहुल आज गेल आएगा टीम में मयंक अग्रवाल मोस्ट ऑबली ओपनिंग करेगा एंड राहुल शायद नंबर थ्री पे खेलेगा मनदीप सिंह है टीम में निकोलस पूरन ग्लैन मैक्सवेल क्रिस जॉर्डन देन एक्सपेक्ट करिए कि मुजीबर रहमान की जगह मुरुगन अश्विन आएगा टीम में मोहम्मद शमी अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई मोहम्मद शमी की विकेट्स हर मैच में आई है he's been good, but ही इज़ बिन गुड बट वही डेथ में थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है जॉर्डन के देखिए तीन मैचेस में एक भी विकेट नहीं आई है प्लस इज़ बिन एक्सपेंसिव एंड ग्लेन मैक्सवेल हैज बीन द बिगेस्ट वरी दिस टूर्नामेंट के एल राहुल तो लीडिंग रन गेटर है ही वन थर्टी टू सिक्सटी नाइन सिक्सटी थ्री सेवेंटी फोर तो अब इंपॉर्टेंट जो फिगर्स है उसकी बात करते हैं तीन सौ दस रन लुके दट एवरेज सिक्सटी टू एंड वन सिक्सटी थ्री का स्ट्राइक रेट है राहुल का वर्सेजर सी बी इस सीजन भी थ्री फिफ्टीज और वन हंड्रेड है मयंक अग्रवाल की टू फिफ्टीज और एक सेंचुरी है पिछले मैच में भी हाफ सेंचुरी आई है ओवरऑल बीस की एवरेज है वन वन फाइव का स्ट्राइक रेट है वर्सेज आर सी बी वॉन्ट टू इंप्रूव इन दैट दोनों प्लेयर्स बाय द वे बैंगलोर से ही आते हैं पूरन है देन पूरन की अगर एक इनिंग्स देखी जाए ही स्ट्राइकिंग एट 177 का स्ट्राइक रेट प्लस ही इज ओनली गॉटन बेटर एज द टूर्नामेंट इज गॉन ऑन तो एक्सपेक्ट करिए कि अच्छा करेगा मिडिल ऑर्डर में ग्लेन मैक्सवेल है ग्लेन मैक्सवेल वेल बहुत बहुत ही उन रहा है अगर आप इसका आरसीबी के साथ रिकॉर्ड देखें तो तेरह की बैटिंग एवरेज है और अगर इस सीज़न रिकॉर्ड देखें तो की बैटिंग एवरेज है और एक भी छक्का नहीं मारा है। और वो देखिए स्ट्राइक रेट 95 का है है मैक्सवेल की जॉब फिनिशिंग द गेम्स मोहम्मद शमी दस विकेट सेवन गेम्स में है आईपीएल में मुरुगर अश्विन की चार विकेट है दो गेम्स में और थ्री विकेट हॉल था वर्सेज दिस RCB टीम सेल रवि बिश्नोई का भी थ्री विकेट हॉल था वर्सेज आरसीबी जो एक मैच खेला है ओवरऑल आठ विकेट ली है सेवन गेम्स में ही इज बोलिंग वेरी वेल दिस सीजन क्रिस जॉर्डन बिग लेट डाउन मनदीप सिंह वेल इसकी भी पुरानी टीम आर सी बी होती थी अब इसको पुश कर दिया एज अ फिनिशिंग रोल तो लेट्स वॉट ही कैन डू गेल के पिछले मैच में अगर देखें नाइनटी नाइन है वर्सेज आर सी बी प्लस ओवरऑल भी अच्छा रिकॉर्ड है फिफ्टी फोर की एवरेज है वन फिफ्टी थ्री का स्ट्राइक रेट है एंड अर्शदीप के बारे में मैं यही बोलना चाहूंगा ही हिट्स द यॉकर्स ही हिट्स द राइट लेंस ही हैज गुड पेस एंड लेफ्ट आर्म एंगल से बॉलिंग करता है तो ही इज अ गुड पिक इन मोस्ट टीम्स बिकॉज डेथ में भी इसको बोलिंग देते हैं आर की बात करी जाए इनकी कैंपेन बहुत अच्छी चल रही है सिर्फ दो लॉसेज हैं उनमें से एक लॉस किंग्स इलेवन के साथ आई है और ओवरऑल दे हैव फाइव विन्स द प्लेयर्स आर परफॉर्मिंग यंगस्टर्स आर डूइंग वेल हलीज हिट फॉर्म मॉरिस जब आया है एक बहुत अच्छा बैलेंस मिल गया है टीम को सो ओवरऑल एवरीथिंग सीम्स टू बी फॉलिंग इन प्लेस फॉर देम डिफेंड जो लास्ट टू गेम्स इन्होंने 169 और 194 जिस तरह से किए हैं जो कंप्लीट परफॉर्मेंसेस दिए हैं विद बैट एंड बॉल दैट इज बिन अमेजिंग टू वॉच तो ये टीम ओनली बेटर हो रही है एंड अगर इनका प्रिडिक्टेड इलेवन देखा जाए तो पिछले मैच के सेम इलेवन के साथ जाएंगी अगर देखे आप फिंच ऑल्सो को थोड़ा फॉर्म मिला फोर्टी मारे देवदत्त पडिकल के थर्टीज हैं है. विराट कोहली

कंप्लीट प्लेयर ही एज विराट कोहली का भी वन थर्टी का स्ट्राइक रेट है सिक्स थर्टी थ्री रन है किंग्स इलेवन ये सीजन भी इंप्रूव हो ही जा रहा है पाडिकल हाईली इंप्रेस्ट अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग भी कर सकता है तीन फिफ्टी भी है सुंदर ने बॉलिंग ब्यूटिफुल किया है लुक इट एट इकोनमी रेट दिस सीजन फोर पॉइंट नाइन का इकोनॉमी रेट है सुंदर का इस सीजन नवदीप सैनी का भी एट पॉइंट सेवन का इकोनॉमी है बट डेथ में बॉलिंग करता है यूजी ट्वेंटी विकेट्स वर्सेस किंग्स इलेवन ओवरऑल आधे दस विकेट उसकी ले चुका है इसी सीजन 7 गेम्स में शिवम दुबे को देखा जाए तो बैट एंड बॉल किसी तरह से जैसे मैंने बोला कुछ ना कुछ तो कर रहा इस डेथ ओवर्स एंड सिराज पेस देखते हैं क्या करता है आज अब दोस्तों थोड़े से फैक्ट्स एंड प्लेयर बैटल्स देखते हैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि वन के स्ट्राइक रेट से स्पिनर्स के अगेंस्ट फिंच ने इस सीजन मगर चार बारी आउट भी हुआ है सो यू माइट सी अ स्पिनर अर्ली ऑन इन द पावर प्ले अगेंस्ट आर फिंच वॉशिंगटन सुंदर का देखा जाए तो 4.9 का इकोनॉमी रेट है एंड मेनली सुंदर हैज इनसाइड द पावर प्ले और ये देखिए व्हाट एन अमेजिंग रेट टू हैव व्हिच इज द बेस्ट इकॉनॉमी रेट इन दिस आईपीएल पी एज वेल एंड मैक्सवेल सबसे ज्यादा बॉल्स खेला है सिक्सटी वन बॉल्स हु आर प्लेइंग दिस आई वो चेंज करना चाहेगा आज पक्की बात है फिंच वर्से शमी का बैटल देखा जाए तो शमी कहेगा कि ही ओन्स फिंच बिकॉज एक बारी आउट किया है अट्ठाइस बॉलों में बट रन नहीं दिए सिर्फ छब्बीस रन के लिए पिटाए अगेंस्ट आर फिंच मोहम्मद शमी

बैक हिमसेल्फ टू गेट मयंक अग्रवाल आज 38 एट रन है पच्चीस बॉलों में वन फिफ्टी के स्ट्राइक रेट से यस मगर तीन बारी आउट भी किया है चाहाल ने इन ट्वेंटी फाइव बॉल्स मयंक अग्रवाल को एंड मैक्सवेल वर्सेज चाहल ये बैटल तो हम अपने बहुत टाइम से जानते हैं एंड हम लोग बहुत बात भी करते हैं इसके बारे में और ये बैटल अगर आप देखेंगे तो एटी वन रन है फिफ्टी थ्री बॉल्स में तो नौ ओवर खेले हैं मैक्सवेल ने चाहाल के मगर फाइव बारी आउट हुआ है फाइव टाइम्स सो so, ये बैटल चाह का है और पूरन वर्सेस सैनी का बैटल भी सैनी द पेसर सैनी के नाम जाता है 23 बॉल्स विद तीन बारी आउट किया है सैनी ने निकोलस पूरन को जैसे ही पूरन बैटिंग करने आएगा आई एम श्योर विराट कोहली विल गेट द पेस ऑफ सैनी इनटू द अटैक अब दोस्तों प्लीज दो तीन तीन और वीडियो आप लोगों के लिए आ रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करिए हमें और बेल आइकॉन दबाइए कि आपको पता चल जाएगा जैसे ही वीडियो आएगा प्लस टेलीग्राम पे फॉलो करिए टेलीग्राम पे आपको टीम्स मिलती है प्लस जब वीडियो आता है सब मिलता है आपको सो so प्लीज टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो करिए मैंने पिछले मैच में आपसे पूछा था कि जॉस बटलर रन आउट नहीं बट मैनकेड दो बारी हैं एक बारी रविचंद्र अश्विन के हाथ से और एक बारी एक और बोलर के हाथ से इन्होंने इन ओडिया वो कौन बॉलर था इट वॉज सुचित्रा सेननाइके फ्रॉम श्रीलंका ये एक ओडीआई था इन इंग्लैंड जहां पे उसने इसको मैनकेट किया था किस किस ने सही जवाब दिया बहुत लोगों ने दिया बट जो टॉप फाइव थे उन्होंने दीपक दीक्षित अभिजीत सुवेन शुभम राणा प्रतीक गानोरकर एंड टेक्निकल अलेखिया गुड गोइंग गाइज इस बारी क्या क्वेश्चन है कोहली ने 90s के कितने स्कोर मारे हैं इन टी ट्वेंटी इंटरनेशनल्स इंटरनेशनल्स नॉट इन आई पी एल एंड ऑल इन टी ट्वेंटी इंटरनेशनल मैचेस कितने स्कोर इन नाइन्टीज हैं विराट कोहली के तो ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना आई सी यू गैस वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो जो होगा फैंटेसी टीम्स का वीडियो गुड बाय